सिमिलर बल्ब आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर विद डीसी सोर्स, ठीक है, ऑफ ईएमएफ ई एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस. द रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन बाई द बल्ब वेन फर्स्ट ऑल आर ग्लोइंग सेकेंड इन द क्या है सिचुएशन वेन टू फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन फ्रॉम सेक्शन बी ग्लोइंग विल बी. ठीक है, मतलब इसमें कह रहा है सबके सब ग्लो कर रहे हैं, एक बार इसमें का दो एक इसका, उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इसका रेशियो बता दीजिए पावर कंजप्शन का. तो मैंने बेसिक फॉर्मूला जो बताया था पावर का उसी को यूज करना है. पावर के बेसिक फॉर्मूले मैंने क्या बताया था, P इक्वल टू V इनटू I यूज करिए, I स्क्वायर R यूज करिए, V स्क्वायर अपॉन R यूज करिए, है ना. इसमें से कोई भी नॉर्मली यूज करते हैं तो आपका हो जाएगा. तो मैं इसको छोटा करके यही सॉल्व करके बताता हूँ, आपको इतने में भी आई थिंक दिख जाना चाहिए. इसमें मैं केस फर्स्ट लिख देता हूँ, आपको स्लोली समझाता हूँ. एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस बल्ब नहीं बना रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस बना ले रहा हूँ चलेगा. फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मैं ऐसे बना ले रहा हूँ, हो सकता है आप तब कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई लिया, ठीक है. नॉर्मली अक्सर हम लोग क्या पढ़ते हैं, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पढ़ते हैं, तो इसे ई को हम वी लिख लेते हैं ताकि हम अपने हिसाब से इसे कैलकुलेट करें, मैच ही तो कराना है. ई को हम वी मान ले रहे, कोई दिक्कत है. यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तीनों पैरेलल में है. तो जब पैरेलल में होता है तो वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन ऐड करोगे तो थ्री अपॉन आर आएगा, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगा नॉर्मली, है ना. मैं इधर बता देता हूँ, ऐसे ही तो करते हैं. वन अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, इसे ऐड करोगे तो थ्री अपॉन आर आएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट. तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बाई थ्री, ठीक है. तो इसको फिलहाल बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, बाकी यही मैं सॉल्व कर रहा हूं. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा R बाई थ्री, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा R बाई थ्री. ये सीरीज में है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं तो फाइनल R इक्विवेलेंट आएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 2R बाई थ्री. सिंपली से P1 मान लीजिए, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R डिवाइडेड बाई 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R. सेकेंड केस में इसने क्या कंसीडर किया है जी, केस सेकेंड इधर बना लेते हैं. इसमें से दो ले रहा है, दो इसमें से लीजिए और एक इसमें से ले रहा है, सिंपल, मेरी बात समझे कि नहीं. और ऐसे बन जा रहा कुछ इस तरीके से, ये ई है, हम तो फिलहाल इसे वी मान के सॉल्व कर, सिंपल है ना. इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है, इसका आर है, आप इसे सॉल्व करोगे तो वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, या दो का तो मैंने डायरेक्ट बताया था आर इन टू आर और नीचे आर प्लस आर, तो टू आर हो जाएगा, एक आर कट जाएगा तो ये R by 2 होगा. फिर इसके सीरीज में है तो इसके सीरीज में ऐड करोगे तो R इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा R plus R by 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3R by 2, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो. अब इसके लिए अगर आप निकालोगे P2 मान लेता हूं इसका, ये हो जाएगा V square divided by R equivalent, R equivalent कितना होगा 3R divided by 2, तो ये 2 पर जाएगा 2V square divided by 3R, सिंपल, मेरी बात से सहमत हो. तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया. नॉर्मली इसका रेशियो पूछा है, आप रेशियो कर लीजिए, तो आप करेंगे P1 divided by P2, तो ये कितना हो जाएगा जी 3V square divided by 2R, 3V square upon 2R, ठीक है. इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3R divided by 2V का स्क्वायर, V square से V square कट गया, R से R कट गया, 3 into 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 2 into 2 कितना हो गया 4, तो 9 by 4, 9 by 4 in the sense इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी,